हेलो फ्रेंड्स, यस नाउ वी विल स्टार्ट AS5। AS5 का नाम है जी नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। जितना बड़ा नाम है स्टैंडर्ड, उससे बहुत ही ज्यादा छोटा है। तीन ही चीजें डील करता है ये स्टैंडर्ड। एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या ये स्टैंडर्ड डील करता है। सबसे पहली चीज आती है जी नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। हाँ जी, हाँ जी, ए पार्ट इज नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ जी? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड का मतलब क्या हुआ? इसमें दो कॉम्पोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला है जी प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एंड दूसरा आता है जी प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। हाँ जी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। सबसे पहले देखते हैं जी ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होता है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर मेन, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एंड दोज एक्टिविटीज विच आर इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस। हाँ जी, दो चीजें मैंने बोली है ध्यान से। पहली चीज क्या बोली? एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एंड एक्टिविटीज विच आर इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस आर नोन एज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब AS की रिक्वायरमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? AS कहता है सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड विद नेचर एंड अमाउंट। हाँ जी, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड विद नेचर एंड अमाउंट इफ नेसेसरी। क्या बोला? इफ नेसेसरी। वो कहता है अलग से डिस्क्लोजर कब जरूरत है, अलग से डिस्क्लोजर कब देना है अगर रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। आप उनको क्लब्स भी क्लब भी कर सकते हैं आइटम्स को, जैसे सैलरी होता है, रेंट रेट्स होता है। अब छोटे मोटे तो कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हर एक एक्सपेंस को फेस पे दिखाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि आप एक्सपेंसेस को क्लब करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स होती हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की जिनकी सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ड्यू टू इट्स नेचर, ड्यू टू इज इट्स नेचर। तो ये टोटल आती है आपकी 7 आइटम्स है। ये सेवन आइटम्स आपको लर्न करनी है, बिकॉज इनका ये ऐसी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ये कौन कौन से 7 आइटम है? सबसे पहली आइटम आती है द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू NRV और रिवर्सल। भाई इन्वेंट्री को हम किस पे शो करते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। अभी तक हम कॉस्ट पे शो करते आ रहे हैं, लेकिन सडनली क्या हुआ, NRV गिर गई, मार्केट वैल्यू क्या होगी, गिर गई इन्वेंट्री की, तो हमें अपनी इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। उसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है, उसकी वजह से लॉस होगा हमें, तो उस आइटम को हमें अलग से फेस पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर इसका रिवर्सल है, इसको रिवर्स कर रहे हो, तभी आपको अलग से शो करना पड़ेगा। दूसरी आइटम आती है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और प्रोविजन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। रीस्ट्रक्चरिंग समझते हो? रीस्ट्रक्चरिंग मींस अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इनके ऊपर कोई खर्चा है या इनका कोई प्रोविजन बनाना है, बना रखा है, तो वो आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिस्पोजल मींस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं और बेचने पे कोई लॉस हो गया, कोई प्रॉफिट होगा, वो अलग से शो करना है। सिमिलरली प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचा है उसका प्रॉफिट और लॉस। लिटिगेशन सेटलमेंट, हाँ जी, अगर लिटिगेशन की सेटलमेंट हुई है उसका कोई खर्चा, वो अलग से डिस्क्लोज करना है। और कौन सी आइटम आती है? और आती है इसमें रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कोई प्रोविजन रिवर्स किया है उसको आपको अलग से शो करना है। एंड लास्ट इज योर लेजिस्लेटिव चेंजेस, कोई लीगल चेंजेस, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है जी,
लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. बेसिकली क्या है, ये सात आइटम्स आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये ऐसी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. क्लियर हुआ? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्लियर हुआ? हाँ जी. प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एंड विच आर इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस. AS की रिक्वायरमेंट क्या है? AS कहता है कि सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ नेसेसरी. अब कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड? दीज आइटम्स, दैट्स इट. दूसरा आता है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है जी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. सिंपल सी बात है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होगी? जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लाइक लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फायर. ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो है नहीं. गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड या गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल, ये सब क्या है? ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है. AS की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए भैया सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड सो दैट, क्यों सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए? सो दैट इट्स इंपैक्ट, so that its impact on current profit oblique loss can be perceived, so that entity उसका impact जो हमारा current profit और loss हुआ है उस पर impact देख ले कि भैया extraordinary profit extraordinary item की वजह से कितना profit और loss हुआ है, इसलिए हमें separate disclosure required है इसका. ठीक है जी, this is your extraordinary activity. तो हमने क्या देखा, इस AS में तीन पार्ट्स हैं क्या? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. हमने क्या देखा? हमने देखा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में दो एक्टिव आइटम्स, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. ठीक है जी, ओके. बी पार्ट इज योर प्रायर पीरियड आइटम्स. अगली आती है जी प्रायर पीरियड आइटम्स. प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है? प्रायर पीरियड आइटम्स कैन बी एन इनकम और एक्सपेंस विच अराइज इन द करंट ईयर ड्यू टू एरर और ओमिशन. ध्यान रखना वर्ड क्या लिखा है जी, एरर और ओमिशन. कुछ एरर हो गया और ओमिशन हो गया इन द प्रीवियस पीरियड्स, यानी कि पिछले पीरियड की गलतियों की वजह से करंट ईयर में अगर कोई इनकम और एक्सपेंस आ जाता है, दैट इज नोन एज प्रायर पीरियड आइटम. प्रायर पीरियड आइटम को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. हाँ जी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जी? सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव. देखो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड दोनों का इंपैक्ट प्रॉफिट पे तो आता ही आता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दोनों को हमें एड या लेस करना पड़ता है. तो करंट ईयर के प्रॉफिट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी का या प्रायर पीरियड का क्या इंपैक्ट है, इसलिए हम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं. ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में हमें हर ऑर्डिनरी एक्टिविटी को सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ सात आइटम्स हैं उनको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. क्लियर है जी? अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं प्रायर पीरियड. देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एक इंप्लॉई है, वो फर्स्ट जनवरी 19 से लेकर लेट अस से 30th सितंबर 19 तक की लीव पर चला गया. एक होता है लीव विद पे, यानी कि छुट्टियों पे चला गया, लेकिन उसको सैलरी मिलेगी इन दिनों की. क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी. जब उसने रीज्वाइन किया तो एंटिटी बेसिकली ये मार्च 31st तक की उसकी सैलरी को प्रोवाइड करना भूल गई. एरर हो गया या ओमिशन होगी यहां पर. समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, फर्स्ट जनवरी से 30th सितंबर की लीव पे चला गया, वो 9 महीने की लीव पे चला गया. ये टोटल कितने बनते हैं जी? 9 मंथ्स की लीव पे चला गया. जब उसने रिज्वाइन किया तो एंटिटी ने उसको सैलरी पे करी, और सैलरी जब बुक करी तो ध्यान में आया कि भैया यहां 3 महीने की सैलरी तो प्रोवाइड नहीं करी थी. अब मुझे बताओ, क्या इस सैलरी का, ये 3 महीने की सैलरी का एक्सपेंस करंट ईयर में बुक कर लिया जाएगा? आंसर इज यस, बुक तो करना पड़ेगा, बट दैट इज नोन एज प्रायर पीरियड आइटम. क्या बोलेंगे उसे? प्रायर पीरियड एक्सपेंस, क्योंकि वो एरर और ओमिशन थी इन द प्रीवियस पीरियड जो कि करंट ईयर पीरियड में आ गई है. क्लियर है जी?
दूसरी चीज मैं समझाता हूं, देखिए एंटिटी ने क्या किया, फर्स्ट जनवरी 19 को एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट मींस निकाल दिया, कुछ गलती वलती करी होगी जो भी था उसको टर्मिनेट कर दिया, और उस एम्प्लॉय ने क्या करा, कोर्ट में केस डाला और उसको फर्स्ट मई 2019 को दोबारा कंपनी को दोबारा रीज्वाइन करना पड़ा उस एम्प्लॉय को, और कोर्ट ने बोला कि भैया पुरानी सारी सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी, पुरानी सारी सैलरी यू हैव टू पे हिम। अब मुझे बताओ जब कंपनी इसको सैलरी पे करेगी तो इस पीरियड की जो सैलरी थी, ये 3 महीने की जो सैलरी थी, क्या कोई ये एरर और ओमिशन थी, क्या कोई ये एरर और ओमिशन थी? आंसर इज नो, देयर इज नो एरर और ओमिशन। कंपनी की कोई गलती थोड़ी ना थी, कहीं कुछ भूली थोड़ी ना थी। तो ये जो 3 महीने की सैलरी कंपनी यहां पर प्रोवाइड करेगी, फर्स्ट मई को प्रोवाइड करेगी, दैट इज प्योर सैलरी एक्सपेंस। ये क्या हो जाएगा जी, प्योर सैलरी एक्सपेंस, ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। आई होप इस एग्जांपल से आपको प्रायर पीरियड क्लियर हुआ होगा। तो प्रायर पीरियड कब होगी, जब सिर्फ एरर और ओमिशन होगी तभी प्रायर पीरियड आइटम बोल सकते हैं, अदरवाइज नो प्रायर पीरियड आइटम विल बी देयर। ठीक है जी, तो अभी तक हमने AS5 में दो कंपोनेंट देखे, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड प्रायर पीरियड आइटम। अगला आता है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इससे पहले एक छोटा सा एक हमारा पॉइंट आता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ये बता देता हूं मैं। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होते हैं? हाँ जी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट मींस एंटिटी क्या करती है, एस्टीमेट्स लगाती है, अंदाजे लगाती है। जैसे प्रोविजन बनाने के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाने के लिए कुछ एस्टीमेट्स लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कुछ लाइफ को असेस किया जाता है, स्क्रैप वैल्यू को असेस किया जाता है। तो अगर उस सिचुएशन या उस सर्कमस्टांस में कोई चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इसकी क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? इफ चेंज इज मेटीरियल इन नेचर, अगर चेंज मेटीरियल है तो सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, इफ चेंज इज इमेटीरियल तो नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। ये था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगला आता है जी, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दोज मेथड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दोज मेथड्स, या कह सकते हैं दोज प्रिंसिपल्स, दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर यूज बाय द एंटिटी प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। Those accounting principles which are used by the entity plus method of applying those principles, like depreciation on fixed assets लगाना, that is an accounting principle. अब depreciation किस method से लगाया जाएगा, that is पूरा set क्या बोला जाएगा, accounting policy बोला जाता है। ठीक है जी, अब आता है question, sir क्या accounting policy change हो सकती है? Yes, accounting policy can be changed if only three condition, in only and only three conditions. कौन कौन सी? If it is required by any accounting standard, अगर कोई AS बोलता है कि accounting policy change करो तो हम कर सकते हैं। If it is required by law, अगर कोई law बोलता है या regulation बोलती है change करने के लिए तो हम कर सकते हैं। And if it is for better presentation, if it is for better presentation of financial statements, अगर हमारे financial statement betterly present हो जाएंगे, that is known as क्या बोलेंगे उसे, change in accounting policy। अब बात आती है सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, चेंज तो बता दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है ध्यान से समझना जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ जी, इफ चेंज इज मेटीरियल इन करंट ईयर, अगर चेंज मेटीरियल है करंट ईयर में तो क्या करेंगे, चेंज मटेरियल है और अमाउंट एसर्टेन कर सकते हैं, चेंज मटेरियल है और अमाउंट एसर्टेन कर सकते हैं, तो हमें अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड। क्या बोला मैंने, चेंज अगर मटेरियल है और अमाउंट भी पता है हमें तो अमाउंट टू बी डिस्क्लोज। इफ चेंज इज मटेरियल एंड अमाउंट कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, अमाउंट एसर्टेन नहीं कर सकते तो ओनली फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड, तो सिर्फ फैक्ट डिस्क्लोज करना है। And if change is immaterial in current year but can be material in future year, क्या बोला मैंने, if change is immaterial in current year but can be material in future year, तो ये fact बताना पड़ेगा, क्या fact बताना पड़ेगा, that
फैक्ट बताना पड़ेगा दैट चेंज कैन बी मेटीरियल इन फ्यूचर ईयर, मतलब बेसिकली ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि चेंज फ्यूचर ईयर में मेटीरियल हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारा था AS5। बताइए जी, यस AS5 समझ में आया जी? एक बार फटाफट सम अप कर देता हूं। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड का मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एंड व्हिच आर इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस। ठीक है, AS की रिक्वायरमेंट क्या है? नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। सेपरेट डिस्क्लोजर कब चाहिए? सिर्फ 7 आइटम्स का चाहिए, बिकॉज उनका नेचर ही ऐसा है। 7 आइटम कौन कौन सी है फटाफट बताइए जी? 7 आइटम है, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू को राइट डाउन कर दिया, दूसरा रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, तीसरा लिटिगेशन एक्सपेंस, चौथा प्रॉफिट और लॉस और डिस्पोजल ऑफ एक्सेट या प्रॉफिट और लॉस और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस, एंड नेक्स्ट इज योर लेजिस्लेटिव चेंजेस। ये सब क्या आते हैं? ये सब 7 ऐसे चेंजेस है जिनका सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती है? विच आर नॉट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, विच आर नॉट mainly related to the business, like loss by earthquake, government grant refundable या government grant received, इन सब के लिए separate disclosure required so that its impact on current profit can be perceived। देखो terms ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको जब answer present करना होता है तो terms अच्छी अच्छी लिखनी होती है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो मेन पार्ट है, दैट इज प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम है those items ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच अराइज इन द करंट पीरियड ड्यू टू एरर और ओमिशन इन द प्रीवियस पीरियड, जो कि करंट पीरियड में आ रही है बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रीवियस पीरियड्स, दैट आर नोन एज प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम को भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन करंट पीरियड प्रॉफिट कैन बी परसीव। उसके बाद हमने देखा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आर दोज सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन जिसकी वजह से हमारे एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, estimated useful life of the asset, estimated scrap value of the asset. इसके लिए भी separate disclosure is required if change is material. If change is immaterial, तो no disclosure is required. उसके बाद आता है change in accounting policy. Accounting policy का मतलब क्या हुआ? Principle, accounting principle plus method of applying those principles. Accounting policy can be changed if it is required by AS, if it is required by law, and if it is for better presentation of the financial statements. Change के लिए हमें देखना पड़ेगा if change is material or if it is immaterial. In current year and immaterial. पहले मटेरियल देखते हैं। इफ चेंजेस मटेरियल, चेंजेस मटेरियल में देखना पड़ेगा अगर अमाउंट एसर्टेन कर सकते हो तो अमाउंट डिस्क्लोज कर दो, इफ अमाउंट कैन नॉट बी एसर्टेन तो फैक्ट डिस्क्लोज कर दो। दूसरा हमने देखा इट इज इमटेरियल इन द करंट पीरियड बट कैन बी मटेरियल इन द फ्यूचर पीरियड, तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट चेंज कैन बी मटेरियल इन द फ्यूचर पीरियड। ठीक है जी, सो ये हमारा था AS5। आई होप ये AS आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।